और अब आपको वो खबर दिखाते हैं जिसे देश के तमाम न्यूज चैनल्स दबाने की भरसक कोशिश करते रहे हैं। उस खबर से जुड़ी हर अपडेट को आप तक पहुंचाना जी न्यूज ने अपना परम कर्तव्य माना है और अपने इस कर्तव्य को निभाने से कभी भी जी न्यूज नहीं चूकता। इसलिए हम आपको पश्चिम बंगाल के मालदा में रविवार को भड़की नफरत की आग से जुड़ी हर जानकारी देते रहे हैं और इस मामले पर अब ताजा जानकारी ये है कि मालदा हिंसा में जिन 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है उसके विरोध में मंगलवार को एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी। गिरफ्तारी से नाराज भीड़ ने पुलिस पर पत्थरबाजी की और गोलियां भी चलाई। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इस मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। इस बीच मालदा में हिंसा की घटना पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी 18 जनवरी को मालदा का दौरा कर सकते हैं। जबकि इस पूरे घटनाक्रम पर पुलिस का कहना है कि हालात अब काबू में हैं, लेकिन माहौल अभी भी तनावपूर्ण है। वहां अभी भी सुरक्षा बल तैनात हैं और रविवार रात से ही पूरे इलाके में धारा 144 लागू है। आज सुबह जब पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेताओं ने मालदा के तनावग्रस्त कलियाचक इलाके में जाने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक इंग्लिश बाजार थाने के पुलिसकर्मियों ने बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को कलियाचक जाने से रोका, लेकिन जब वो नहीं माने तो पुलिस ने बीजेपी विधायक शमिक भट्टाचार्य सहित उनके 10 समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया। बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। इसके बाद बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने इस घटना के सिलसिले में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी से मुलाकात की और इस पूरी घटना की जाँच NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से करवाने की मांग की। जी न्यूज को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस को यह शक है कि रविवार को हुई हिंसा और पुलिस थाने पर हमले के पीछे किसी की साजिश थी। अब पुलिस थाने में लगे CCTV कैमरों की फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। पूरा देश ये उम्मीद कर रहा है कि जांच से ये पता चल जाएगा कि मालदा की हिंसा के गुनाहगार कौन है, मालदा में आगजनी और तोड़फोड़ के पीछे किसकी साजिश थी और नफरत की आग में घी डालने का काम किसने किया था, क्योंकि पूरा देश वो चेहरे देखना चाहता है। हम मालदा के ताजा हालात और पल पल की गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, जिनके बारे में हम आपको आगे भी ऐसे ही बताते रहेंगे, क्योंकि जी न्यूज कभी भी किसी खबर को दबने नहीं देगा, ये आपसे हमारा वादा है।